स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू लर्न एंड राइट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरी एबीसीडी हमने पहले से ही लिख रखी है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि वोवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे वोवल्स कितने होते हैं? फाइव। कितने वोवल्स होते हैं? फाइव। कौन कौन से वोवल्स होते हैं? फाइव, A, E, I, O, U, ठीक है। अब हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए A, ये क्या हुआ? वोवल्स। ठीक है, E, वोवल्स। I, वोवल्स। O, वोवल्स। एंड U, कितने हो गए? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ओके, और बाकी जो रिमेनिंग एबीसीडी है वो क्या हुई? कॉन्सोनेंट। क्या हुई वो? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21। और वोवल्स कितने हुए? 5। हमारी पूरी एबीसीडी का अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ओके, अभी हम इनको अलग लिख के देखते हैं। ठीक है, वोवल्स कितने वोवल्स होते हैं हमारे? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ठीक है, ई, आई, ओ एंड लास्ट वन यू। देखा, हमने जो अंडरलाइन किए थे वोवल्स वो हमने अलग कर लिए हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे फाइव क्या हो गए? वोवल्स हो गए। क्या हो गए हमारे फाइव? वोवल्स हो गए। अब हम कॉन्सोनेंट भी देख लेते हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। बी, सी, डी, एफ, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। देखा, ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये हैं वोवल्स। वोवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये वाला टॉपिक? ओके, थैंक यू, बाय बाय।